हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे मीठी पराठा। मीठी पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा, हाफ ग्लास पानी, नमक, 3 से 4 बड़ी चम्मच शुगर और 3 से 4 बड़ी चम्मच घी लिया है। अब हम शुगर पराठा यानी कि मीठी पराठा बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम आटे को गूंदेंगे। आटे को गूंदने के लिए पहले हम आटे में डालेंगे थोड़ी सी नमक, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटा हमारी अच्छी तरह से गूंद चुकी है। अब हम आटे की छोटे छोटे डो बनाएंगे। अब हम इसको बेलने की प्रोसेस में चलते हैं। अब हम पराठे बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम आटे की एक छोटी सी रुई लेंगे, इसको हम सूखे आटे में इसे लिपट लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इसके हाफ हिस्से में शुगर डालेंगे। और हाफ हिस्से को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे किनारे को थोड़ा सा दबा लेंगे, उसके बाद और एक फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी आटा डालकर इसको तिकोना पराठा बनाएंगे।
ये हमारा एक पराठा बन चुका है। अब हम इसी प्रोसेस में दूसरा बनाएंगे। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ऐसे किनारे को थोड़ा सा दबा लेंगे। उसके बाद हम फिर से फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी सूखी आटा डालकर इसको फिर से वेलेंगे, तिकोना बनाएंगे। ये हमारा दूसरा पराठा भी बन चुका है। इसी प्रोसेस में हमें सारे पराठे को बना लेना है। अब हम इसको सेकने की प्रोसेस में चलते हैं। पराठे को सेकने के लिए पहले हम तावा को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तावा हमारे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। तावा हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। पलट कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को पूरी तरह से लो कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ पलट कर ऐसे ही घी लगा लेंगे। अब हम इसको पलट पलट कर सेकेंगे। थोड़ी देर के लिए सेकना है। ये हमारा पहला पराठा बन चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसी प्रोसेस में दूसरा बनाएंगे। पलट कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं।
उसे पलट पलट कर इसे सेक लेना है। ये हमारा दूसरा पराठा भी बन चुका है। अब हम इसी प्रोसेस में सारे पराठे को बना लेना है। ये हमारा तिकोना शुगर पराठा यानी कि मीठी पराठा बन चुका है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।